नमस्कार दोस्तों चैनल पे आपका स्वागत है मैं देख रहा था आपके कमेंट किया अरे गुरु जी पढ़े बाकी कहाँ हुआ गुरु जी हम सब पढ़ रहे थे रीजन ये है कि अब चुकी अब आज हो गया है छब्बीस सितंबर एक तारीख से बिहार पुलिस का एग्जाम फिर सीपीओ का एग्जाम स्टैंडो का एग्जाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम सीजीएल मेन्स का एग्जाम और तो और जीडी तो अपना आने ही वाला है आपके 24 नंबर उठा इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने अगले चार दिन का शेड्यूल फिक्स कर लिया जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन पॉलिटी के सारे अच्छे क्वेश्चन एक दिन जियोग्राफी के सारे अच्छे क्वेश्चन एक दिन आर्ट एंड कल्चर के सारे अच्छे क्वेश्चन और एक दिन हिस्ट्री के सारे अच्छे क्वेश्चन उस वादा को निभाते हुए आज मैंने पॉलिटी यहाँ 150 लिखा है ना लेकिन आज अपने कम्युनिटी पे 190 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो मैं आपको दे कर रहूँगा आज ठीक है ना बस सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि भैया एप डाउनलोड कर लेना और उस पर बारह क्वेश्चन की पीडीएफ एक और मिलेगी जो नए स्टूडेंट होंगे वो आपके लिए ऐप की लिंक और वो बारह क्वेश्चन की लिंक दी हुई है उस पर डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड करके ले लेना ठीक है ना 1250 क्वेश्चन की मैंने वहां पे दे दिए कल कई लोग परेशान हो रहे थे हमको डायरेक्ट दे दो यार तो आज एकदम दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सीपीओ स्टैनो जीडी एमटीएस रेलवे आप कोई भी एग्जाम कह दें अगर जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस है जिनका बिहार पुलिस है जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है धुआंधार है आज का सेशन सब लोग रेडी हो ना सब लोग रेडी हो चलिए तो आइए शुरुआत करें आज के सेशन का और देखें कि पॉलिटी में क्या होगा लेकिन सर आज 26 है कल क्या सब्जेक्ट रहेगा कल देखता हूं तो जियोग्राफी के करवा दूंगा परसों 28 सितंबर को क्या रहेगा सर यार 28 को मैं सोच रहा हूं आपके इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके करवा दूं स्टैटिक जीके फिर 29 करेंट अफेयर फिर 30 हिस्ट्री ऐसे पांच दिन पांच सेशन ठीक है ना और यह भी बात याद रहे कि कल सुबह से जनवरी फरवरी जैसे 26 तारीख को जनवरी फरवरी 27 तारीख को मार्च अप्रैल ऐसे कर करके दो दो महीने का भी दौर। तो इधर सुबह चार दिनों का और शाम को चार दिनों का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट द डे जो अपने कदमों की काबलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर ही मंजिल पर पहुंचा करते हैं बाकी लोग तो इंतजार करते रह जाते हैं तो आज आप कोई भी एग्जाम देने वाले हों आपके एग्जाम का नाम कुछ भी हो सकता है दिल्ली पुलिस हो सकता है सीपीओ स्टैनो ए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जीडी या एमटीएस या रेलवे या सीजीएल मेंस पॉलिटी के ये क्वेश्चन वो हैं जो एसएससी ने अनेकों बार दोहराए हैं तो आज वही सेशन है उपाय सही लेके आया ना ठीक है और इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी पूरे क्वेश्चंस की मेरे अड्डा के कम्युनिटी पे जो ऐप डाउनलोड कर लेगा उसको मिल जाएगा और 1250 क्वेश्चन की शुरुआत पहला क्वेश्चन संसद के संयुक्त शस्त्र की व्यवस्था मतलब लोकसभा राज्यसभा एक साथ किस आ, के तहत बैठता है वह कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठ सकते हैं सर आर्टिकल एक इनकी अध्यक्षता कौन करता है सर यह क्वेश्चन खूब आपके पेपर में आता है लल्ला स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है यह बात आपको रटा होगा अगला क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना सर देखिए सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है 226 सौ छब्बीस दो बत्तीस के अंदर और हाई कोर्ट आपके सर इसके अच्छा याद रखना रीट जारी करने के मैटर में हाई कोर्ट की शक्ति ज्यादा है आर्टिकल बत्तीस टू थर्टी इसका राइट आंसर है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की यह वो जो हर पेपर में बार बार दोहराए जाते हैं पॉलिटी के तो आज एकदम धुआंधार तरीके से सर ए ऑप्शन वर्ष अगला संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवाएं कौन हटा सकता है अगर कोई व्यक्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब कर रहा है तो उसकी सेवा को कौन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है तो राष्ट्रपति इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी उन्होंने कितने कार्यकाल तक सेवा की अब इंदिरा गांधी को आप कितने अच्छे से जानते हो लेकिन थोड़ा सा एंगल घुमा दिया एंगल घुमाया नहीं गड़ा सर इंदिरा गांधी जी लगातार तीन कार्यकाल तक अपने मतलब तीन बार पद पर सेवा की है ठीक है ना तीन बार पद पर सेवा के प्रधानमंत्री के जून उन्नीस में कौन सा ऑपरेशन हुआ जिससे कई सिख नाराज हो गए कई सिख कम्युनिटी के लोग उस ऑपरेशन से नाराज हो गए थे सर उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पवित्र अमृतसर मंदिर में हुआ था इस वजह से बहुत सारे लोग नाराज हुए 1975 में किस उच्च न्यायालय ने 1971 में लोकसभा के उनके चुनाव को रद्द कर दिया था ठीक है ना मतलब 75 में इस बात का निर्णय आया 1971 का चुनाव रद्द हुआ था तो सर यह बात है आपके बी ऑप्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा किया था अब चूंकि इसका इंग्लिश नहीं है हिंदी नहीं है तो मैं बता दूंगा इन 1980 इंदिरा गांधी सन बिकेम हर चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर विद सन वाज इट वाज 1980 में इंदिरा गांधी का जो पुत्र थे वो उनके वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल एडवाइजर बने वो कौन से पुत्र थे राजीव गांधी संजय गांधी राहुल गांधी या महात्मा गांधी सर संजय गांधी जी इंदिरा गांधी के एडवाइजर बने थे इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी कौन बना संजय गांधी राजीव गांधी मुरारजी देसाई नरेंद्र मोदी तो सर इंदिरा गांधी जी उत्तराधिकारी बने थे राजीव गांधी जी क्योंकि इनकी डेथ के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने थे अगला भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है बताइए प्राइम मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा उपयुक्त में से कोई नहीं सर राष्ट्रपति इलेक्ट्रोल कॉलेज में उपयुक्त में से कौन मतदान कर सकता है केवल लोकसभा सदस्य केवल नहीं ये केवल वर्ड लगा करके गड़बड़ कर दिया ना सिर्फ यही लोग थोड़ी कर सकते हैं भाई लोकसभा के सदस्य और आपके विधानसभा के सदस्य मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते हैं ठीक है ना मनोनीत सदस्य लोकसभा राज्यसभा के तो करते ही करते ही ये केवल वर्ड लगा करके कंफ्यूज किया ताकि आप गलत करें ये बात याद रखना केवल वर्ड ना होता और दे देता लोकसभा राज्यसभा सदस्य हाँ विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं ठीक है ना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को अनुच्छेद पंद्रह के विरुद्ध एससी एस टी ओबीसी के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है अब बताओ भारतीय संविधान का तो सर वो है आपके आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 तीस में जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं 29 और 30 में उनके शैक्षणिक विकास लिपि का विकास भाषा के विकास की बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है बताओ संसद के गठन से कौन सा आज के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के उठाए हुए हैं अलग अलग पेपरों के आर्टिकल उन्यासी सर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर यह क्वेश्चन हो चुका है एक सौ आठ के अंतर्गत विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्लेक्ड इम्पीस्ड बाई द पार्लियामेंट ठीक है विच ऑफ द नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मैं हिंदी नहीं कर पाया हूं तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंपीच बाई द पार्लियामेंट ठीक है आपको लगता है कि अटोर्नी जनरल के ऊपर क्या इंपीचमेंट लगाया जाता है, है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगती है जैसी प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर तो महाभियोग लगता ही लगता है लेकिन सर attorney जनरल पे कभी पढ़े हो कि महाभियोग लगता है अगला पॉइंट एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है मजा आ रहा है ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्तमान में आज की डेट में आज जिस डेट पे हम लोग खड़े हैं बताओ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड इस समय कौन है ठीक है ना वर्तमान में करेंट अफेयर में और मैं इसका आंसर कर दूं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष पांच साल या सत्तर वर्ष की आयु ठीक है ना पांच साल या सत्तर वर्ष की आयु अगला एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताओ सोच समझ के आज आपके लिए 1250 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ यहां लगी हुई है लिंक लगी है डाउनलोड करके ऐप पे जाओगे मिल जाएगी मेरे कम्युनिटी को फॉलो कर लेना और साथ ही साथ आज के जितने क्वेश्चन हैं उन सब का जो पीडीएफ है आपको उसी लिंक से मिलेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट आयोग के संबंध में प्रावधान है एससी एससी सुप्रीम कोर्ट नहीं क्षमा करिएगा एससी कमीशन शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन तो सर वो आर्टिकल आपके कौन से है? आर्टिकल 338 सही से बताओ क्या सब याद आ रहा है नहीं याद आ रहा होगा बहुत सारे लोग गड़बड़ा भी रहे होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस आधार पर किया गया था अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मेरी बात समझो एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब आपको लिखना पड़ता है स्किप नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत जाना वो एक्ट था नाइनटीन एक्ट 1989 अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से सर संसद का गठन आर्टिकल उन्यासी संसद का संयुक्त सत्र ये क्वेश्चन हो चुका है दोबारा आया अच्छा दोबारा आया भी क्यों क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी भी तीन तीन बार पूछा है तो मैं भी तो प्रीवियस ईयर का ही दस साल सेलेक्ट किया हूं तो यह क्वेश्चन दोबारा क्या तिबारा दिख गया भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है जो इंडियन सर्विसेज जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विसेज IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज ये सब कौन शुरू करता है सर राज्यसभा राज्यसभा आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन का अधिकार रखता है रखता है कि नहीं हाँ उसका आंसर क्या है आपके अरुण कुमार सई अल्लाह 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करता है यह बात आप ध्यान रखेंगे अगले पे आएंगे यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है बताइएगा तो सर उनके सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है छह वर्ष के लिए की जाती है ठीक है ना सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है छे वर्ष की अवधि के लिए भारतीय संविधान के भारत में वित्त आयोग ये तो आसान है झट से टिक मारोगे सर आर्टिकल 280 सौ अस्सी वित्त आयोग का जिक्र है अगला किस अनुच्छेद में अब प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी अच्छा एक बात बताओ आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं नए और अलग महसूस हो रहे कि नहीं मतलब यार मैं हर क्वेश्चन ढूंढने के पीछे मेहनत करता हूं और जैसे आज पॉलिटी करा रहा हूं ना कल कोई और सब्जेक्ट परसों कोई और सब्जेक्ट तो इसका राइट right आंसर है ए ऑप्शन आर्टिकल दो ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको एक आइडिया लग जाए और इसकी पीडीएफ अपने पास जरूर रखना पीडीएफ कहां से मिलेगी लिंक लगा हुआ है डाउनलोड कर लेना ऐप फिर वो कम्युनिटी पे आ जाओगे वहां पे इसकी पीडीएफ मैंने पिन करवा दिया लास्ट में दिखा दूंगा कैसे क्या है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति है बताइएगा तो सर किस आर्टिकल दो ठीक है ना अगला पॉइंट संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों का वकील लंपट नहीं होगा बेवकूफ टाइप का व्यक्ति नहीं होगा विच आर्टिकल ऑफ कौन कौन सा अच्छा लंपट ये नहीं लेना यार वो गड़बड़ा गया है ठीक है ना काउंसल ऑफ स्टेट सेल नॉट बी डिजोल्यूट ठीक है ना कौन सा आर्टिकल राज्यों का राज्यसभा राज्यों का वकील नहीं होगा राज्यसभा को आप डिजोल्यूट नहीं कर सकते हो भैया हंसी मजाक मत ले लेना आप राज्यसभा सर आर्टिकल 83 राज्यसभा एक सतत सतत वो है सतत है वो कभी डिजोल्व डि, 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 नहीं होती लोकसभा हर पांच साल बाद डिजोल्व हो जाती है ठीक है ना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता सर जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तो उसमें लिखा है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा में बारह और दो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते ये आर्टिकल पचपन में, में, में है ठीक है अगला भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र मिलता आर्टिकल 76 में आर्टिकल छिहत्तर में अच्छा देखो क्वेश्चंस वही हैं लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछने का तरीका बदल गया है भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है भारत का सबसे बड़ा जो लीगल ऑफिसर है वो कौन होता है सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक है ना अगला पॉइंट अच्छा याद रखो अगर यही राज्य के संदर्भ में जैसे बिहार कर्नाटक छत्तीसगढ़ झारखंड केरल जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम ऐसे ऐसे पूछ दे तब जानते हो तब एडवोकेट जनरल जैसे केंद्र सरकार का अटोर्नी जनरल होता है वैसे राज्य का सबसे बड़ा वकील एडवोकेट जनरल होता है राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया मतलब कब उसकी स्थापना की गई है सच, सच बता दो ऐसे ऐसे क्वेश्चन खूब मिलते हैं ना पेपर में और हम ध्यान भी नहीं देते हैं बार बार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था अब सोचो कि आपातकाल लगा कब था तो सर 1976 तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन ही तो हुआ था जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो देखो में बयालीसवां हुआ था और 1978 में चौवालीसवां तो आपातकाल कब लगा था इंदिरा गांधी जी के समय वो कब था 1976 में अगला पॉइंट निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर छ वर्ष कर दिया गया बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया तो लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर छे इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाया था तो उन्होंने अपने सरकार का टाइम एक साल के लिए बढ़ा दिया था बाद में फिर जनता पार्टी की सरकार बनी उसने संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को फिर से पांच साल का कर दिया है तो वर्तमान में चल पांच ही साल रहा है लेकिन यह अपने आप में एक यूनिक इंफॉर्मेशन है आप में से कुछ के लिए कुछ लोग जानते होंगे भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई सर आठ तो पहले से मौजूद थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नौवीं जोड़ी गई होगी सर पहले संविधान संशोधन से जाहिर सी बात है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आठ ही थी ना ओरिजिनल भाषाएं कितनी थी चौदह अगर कभी पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र था चौदह अलग की बात है कि बाईस हो गई मंत्रिपरिषद किसके प्रति अब देखो ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है सर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति लेकिन एक मंत्री अगर सिर्फ पूछ देता कि मिनिस्टर किसके प्रति जिम्मेदार होता है तो मिनिस्टर जिम्मेदार होता है मेरे भाई किसके प्रति वो होता है प्रेसिडेंट के प्रति व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री राष्ट्रपति के लेकिन एज अ टीम वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है संसद निम्नलिखित में से भारत के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है कभी कभी लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है रीजन है इसमें जितने भी नियम थे उनको संविधान में हु उछाप दिया गया है थोड़े बहुत मामूली परिवर्तन के साथ कुछ में ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है लल्ला ठीक है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का नीला छाया प्रति अगला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी सर वो कलकत्ता कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के नाम पे और इसका पहला जज जो था उसका नाम था एलिजा इम्फे लीजा एमपी आज राज्य के महाधिवक्ता जैसे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील भारत का कौन होता है तो आप कहोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसी तरीके से हर राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहते हैं कितने अवधि के लिए की जाती है सर नो फिक्स टेन्योर कोई निश्चित कार्यकाल उसका नहीं होता है अगला किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होगा आज के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं पहले ये बताओ और अगर आज के क्वेश्चंस ये हु आपके पिछले दस साल के एसएससी रेलवे जीडीएमटीएस सीजीएल सीएचएसएल के पेपर के क्वेश्चन है जैसे नहीं सीपीओ के पेपर के चार उठा लिए स्टैनो के उठा लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जीडीएमटीएस ये वो हैं मैंने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा ही नहीं है आज की पीडीएफ से तुम्हें यह अंदाजा मिल जाएगा कि एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं और यह पीडीएफ आपको कहां मिलेगी वो लिंक लगी है वहां 1250 क्वेश्चन की पीडीएफ तो मिली जाएगी साथ साथ ये भी मैंने अड्डा के ऐप पे कम्युनिटी पे पिन करवा दिया तुम उस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना ये भी दिख जाएगी तुमको ठीक है ना राज्य के महाधिवक्ता का वेतन कितना होता है ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि तुमको इतनी सैलरी मिलेगी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित या प्रतिशोधात्मक कार्यवाही से बचाता है बताओ कौन सा अनुच्छेद सोच 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 के के बताओ बताओ तो सर यह अनुच्छेद है आपके 311 नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए अब सोचो ये बार बार पूछता है कि नहीं कितना इंपॉर्टेंट है सर 21 है आपके शिक्षा का अधिकार छ वर्ष से लेकर के चौदह वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है आपके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में। भारतीय अनुच्छेद तीन अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है अरे सर अब तो यह इतिहास हो गया जम्मू कश्मीर से संबंधित था ठीक है ना अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के किस भाग में तैयार किया गया है सोचो इतनी बार तुम लोग आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर हाय हाय सब किए बताओ किस भाग में है कई लोग को तो हाई वाली गिनती है नहीं आ रही होगी माई ई हाँ का का गल ला देखा आप करा आंसर करा न लायक कहीं के ए ऑप्शन इसका दस दस बीस एक, 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 एक अरे सर कितना गड़बड़ हो गया सर तो भाग है तो बाईस अब तो बल्कि पच्चीस हैं अगला किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है हुआ ठीक है ना इनमें से कोई नहीं सब भारत के अंदर कोनों कोनों मार देंगे अरुणाचल प्रदेश का होगा चाइना के के बॉर्डर पास है सबका अपना जुगाड़ है ना सोचने का एंटी डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क देखो अपने करेजा पे हाथ रख लो दिल पे हाथ रख लो यहीं पे रखना एडजस्ट करके थोड़ा सा ऊपर सर सर बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है अब तुक्का मारने की तैयारी चल रही होगी अरे गुरु

ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो चुका पेपर हाँ तो उस समय तुम लोग बाहर एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे कोई कोचिंग वाले इसे माइक लेके मुंह में ठूस देंगे आपका पेपर कैसा गया बहुत टफ है तब अगले साल तैयारी करेंगे इसीलिए ये वाला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से है सर आर्टिकल तीन अच्छा मैं तो कभी किसी सेंटर पे नहीं जाता हूं लेकिन मैं देखता हूँ सेंटर से लड़के छूटते हैं बेचारे मास्टर माइक लेके बेटा कैसा क्वेश्चन है आ लड़के हुँ, हुर, हम सोचते किसी दिन हम पक, हम चले गए ना हमारा छात्र मिल गया तो अगर एक बार हुर पुर किया गलत क्वेश्चन ऐसे हम बाल पकड़ लेंगे इधर 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 गुरु जी काहे गलत करके का, का, आयो वे भाई हक बनता है उनके गुरु हैं सर एक सठवां संविधान संशोधन कही है लीजिए एक नंबर दीजिए कसम हम कभी किसी सेंटर पे तुम लोग को दिख गए ना तो अपना बाल वाला इसे रुमाल से बांध लेना कि गलत किए रहोगे तो वहीं उठा पटक शुरू हो जाएगा कैसे गलत करके आ गए बोडो डोंगरी मैथिली संथाली ठीक है ना को भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची अरे सर आज ही आपने पढ़ाया है बान विवाह संविधान संशोधन के द्वारा नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी और मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईसी को पद को शपथ कौन दिलाता है पद की शपथ अब सोचो कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पद हैं इनकी शपथ कौन दिलाता है सर भारत का राष्ट्रपति इक्यावन प्रश्न हो गए हैं अगर लग रहा हो कि स्टैंडर्ड प्रश्न चल रहे हैं सर एकदम वैसे ही जैसे एग्जाम हाल में देख के बत्ती गुल हो जाती है तो एक बार लाइक सब लोग ठोक दो और याद रखना इक्यावन क्वेश्चन पे बताने जा रहा हूं बारह सौ पचास क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक वहां लगा दिया हूं दूसरी चीज इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको अड्डा के कम्युनिटी पे ही उसी लिंक में जोड़ दिया हूं ठीक है ना अड्डा पे कम्युनिटी में मिल जाएगा आज लोकसभा द्वारा, धन को द्वारा भी पारित माना जाता है तो धन विधेयक को पारित मान क्योंकि धन विधेयक पर निर्णय लेने का सारा अधिकार किसके पास है लोकसभा अध्यक्ष के पास है मतलब वर्तमान में ओम बिरला जी के अधिकार के पास है ठीक है ना अगला कोई विधेयक अल्लाह यही बतिया तो बोले थे सर ये तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, है? अगला क्वेश्चन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रशासनिक न्यायाधिकरण पारित किया गया था किस सन में सर ये पारित किया गया था उन्नीस में लल्ला मेरी बात मान लेना आने वाले चार दिन और आज की पीडीएफ तुम्हारे पास होनी चाहिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सीएटी का प्रावधान है सीएटी सर सी का प्रावधान है तीन ए में इसका आज फुल फॉर्म खोज करके जरा लिख देना तो कमेंट बॉक्स में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति ये वाला रटा है सर एक नंबर दे दीजिए कहा है बचपन से रटे हैं सर बोन बिटा के बड़े हुए हैं समझ रहे हो अगला अगला क्वेश्चन भारत की केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है सर इसके लिए भी एक नंबर दे दीजिए ये लीजिए फ्री में उठा लीजिए आर्टिकल छिहत्तर वाले बाबू जी हैं ये निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है सर बिहार का टेन मिनट संदीप सुनो बिहार का टेन मिनट शो नहीं लल्ला एक दिन पूरा बिहार का कहे नहीं थे पेड क्लास ले लो उसमें सतवें दिन पूरा बिहार का ही पढ़ाऊंगा अब तुम ही लोग के लिए कर रहा हूं जिनका एग्जाम है ये है वो है ये है संविधान की प्रस्तावना डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा डी ऑप्शन में है जिनका है, अगले महीने से एग्जाम है तुम ही लोग के लिए कर रहा हूं यूपी के लिए कर रहा हूं बंधुत्व शब्द का समावेश किसके द्वारा प्रस्तावित था जो हमारे संविधान में फेटर्निटी शब्द है वह किसने दिया था फेटर्निटी शब्द दिया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत चतुर आदमी बहुत बुद्धिमान आदमी थे यह संविधान लिखने में समझ रहे हो ना वास्तव में ये ज्ञान का भंडार थे इसमें कोई शक नहीं है अगला किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म मूलवंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्णित है तो भेदभाव मतलब निषेध है वर्णित नहीं है भैया निषेध है सर वो आर्टिकल है आपके डी ऑप्शन आर्टिकल पंद्रह ठीक है ना आर्टिकल सत्रह में तो छुआ छूत का अंत दिया हुआ यह खूब पूछता है ठीक है अगला भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम जो है किस देश से लिया गया है फेडरल सिस्टम किस देश से लिया गया है सर फेडरल सिस्टम लिया गया है डी ऑप्शन कनाडा के संविधान से फेडरल सिस्टम कनाडा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कोई मत छोड़ना आज की पीडीएफ फ्री मिलेगी वही लिंक लगा है जहां साढ़े बारह सौ क्वेश्चन का मिलेगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सर मौलिक कर्तव्य लिए थे रूस से सरदार स्वर्ण सिंह बताए थे आठ इंदिरा गांधी लागू कराए दस वर्तमान में मौजूद है ग्यारह लो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी ना अब संविधान के भाग चार ए में और आर्टिकल 51 ए में इसका जिक्र मिलता है भारतीय संविधान में आपातकाल कहां से लिया गया है आपातकाल लिया गया है जर्मनी से अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है सर आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है संविधान के भाग 3 संविधान के भाग 3 और संविधान के भाग 4 के, के लिए जो राज्य शब्द की डेफिनेशन ली गई है वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से अगला पॉइंट राज्य पुनर्गठन समिति कब बना था सर इसमें तीन समितियां बनी थी पहली वाली बनी थी एस के धर समिति इसने कहा था भाषा के आधार पे बिल्कुल बंटवारा नहीं होगा दूसरी कमेटी बनी थी जे वी पी समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पी सीतारमैया थे जी इस समिति ने भी कहा था भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होगा तीसरी बनी थी राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे फजल अली ये लोग बोले थे भैया भाषा के आधार पर बंटवारा हो सकता है तो में भाषा के आधार पर पहला कौन बटा था आंध्र प्रदेश बट गया था सर लेकिन आयोग 1955 -56 में बना है। इनके रिपोर्ट से पहले ही प्रदेश बट चुका था उन्नीस तो क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई उसके बाद पचपन छप्पन में रिपोर्ट आया था भारत में सहकारी समिति सहकारी समिति किस क्षेत्र की सेवा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आती है सर खेती अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होता हम लोग के नाना जी दादा जी दादा लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं जाते खाद के लिए बीज के लिए है? हमारे तो नाना खूब दौड़ते हैं हम तो पूछते थे जैसे हम छोटे रहते थे गांव जाते थे अब नाना जी अपनी साइकिल पे बैठ गए तो हम पूछते थे नानी से नाना कहाँ जा रहे है? तो हैं तो कॉपरेटिव जातु बचवा तो अब कोऑपरेटिव जातू हमको तब नहीं समझ में आता था अब समझ में आता है कि वो अपने बेचारे खाद के लिए इसके लिए उसके लिए जाते रहते थे अपना साइकिल वाइकिल लेके बढ़िया है उन्हीं की साइकिल से हम साइकिल चलाना सीखे हैं लेकिन नहर पे एकदम कूदे रहते थे एक बार नहर के पास इतना बड़ा वो रहता है ना बैठने उठने के लिए उसी पे पांव रख के सीख रहे थे और साइकिल को हम सीने के जोर से सीखते थे कि पैर से नहीं मारते थे मार। हैंडल घूम गया लिए दिए घूम गए थे उसी नहर में पूरा पानी भरा था उसी में कीचड़ कीचड़ होके कि किसी तरह साइकिल फिर अपने को भी हम धूले थे कि घर पे जाके डांट ना सुने और घर पे जाके ताव से बोले थे कि ओ हम नहर पे आज नहाए हैं वो तो हम ही जान रहे हैं सच्चाई कि नहर में लेके साइकिल घुस गए थे तो ये सब होता रहता है क्या कहें एक को लिख रहा है बारह मारेंगे ना रोहित वो 1250 क्वेश्चन की वहां पीडीएफ की लिंक लगी है एड्डा ऐप पर पहुंचोगे वहां से मिलेगी इनके जैसे लगता है घर में पहुंचा दो बट वर्गीज कुरियन वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है सर श्वेत क्रांति से से है, श्वेत है? हाँ, क्रांति क्रांति हरित एम एस स्वामीनाथन अगला निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी संघ नहीं है सहकारी संघ नहीं है तो सहकारी संघ नहीं है मदर डेयरी ठीक है ना मदर डेयरी नहीं मदर डेयरी ठीक है ना सहकारी संघ नहीं है आई टू हैव अ ड्रीम मेरे पास भी एक सपना है यह किसने लिखी आई हैव टू अ अ ड्रीम ड्रीम लिखा है आपके कुरियन ने आई टू हैव अगला पॉइंट भारत में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा तुमको आने वाले चार दिन डी ऑप्शन गृह मंत्री मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं गृह मंत्री साहब करते हैं भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया देखिए कि सर केंद्रीय बजट जैसा तो कुछ है नहीं है तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट सब तो बस ऐसे ही है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट सर वो आर के सनमुखम चेट्टी जी रटे हुए हैं हम लोग भारत की वित्त मंत्री का पद संभालने वाली एकमात्र महिला अब नहीं ऑप्शन के हिसाब से अब तो भैया निर्मला सीतारामन जी एकदम धाक जमाए बैठी है लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना होगा तो राइट right आंसर बनेगा इंदिरा गांधी जी पूर्ण कार्यकाल के लिए बनने वाली निर्मला सीतारमण जी जो वर्तमान में पहली हैं भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत का केंद्रीय केंद्रीय बजट बजट पेश पेश नहीं नहीं किया किया सर वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ठीक है ना नहीं किया था लेकिन फिर बाद में इन्होंने किया ठीक है नहीं इसका आंसर डी गलत अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था ठीक है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था मोरारजी देसाई ठीक है ना इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रभट इसको नल एंड वाइड करो नल एंड ठीक है न, नल एंड क्योंकि अभी ये मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है और मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं बड़े ईमानदारी से मैं इसको देख करके आराम से बता दूं अरे यार बनारसी पान अटल बिहारी भारत के किस भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया ओ समझ गया हट तरीका ये, ये तो उसी तरीके की बात हो गई यही सही है डी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है मैं समझ गया वो रीजन ये है कभी कभी होता है ना आप कुछ बोलते बोलते मिस कर जाते हैं वो, वो वाली बात वाजपेयी जी इसका सही आंसर है बाकी लोग प्रेजेंट किए देसाई तो बार इंदिरा गांधी भी ये भी, ये भी नहीं किए हैं कभी भी ऐसे ठीक है अगला पॉइंट किस समिति ने ए की स्थापना की सिफारिश की थी बताओ किस समिति ने आईआरडीए आई आर समिति की पे स्थापना की थी बताओ 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 इसका राइट आंसर होगा आपके बी ऑप्शन आर एन मल्होत्रा समिति आई की स्थापना कब हुई थी इल्डा। इसको हम लोग में इल्डा बोलते हैं ना तो इल्डा की स्थापना कब हुई थी 1999 में ठीक वही है कि सर जब जी की स्थापना हुई थी ऐसे कर लो अगला लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं संवैधानिक प्रावधान के अनुसार तो सर इसका राइट आंसर है 20 अरे वही बीसी है ना चलिए अगला पे आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ सकता है सर एक बार में 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 अधिकतम अगर बीच में आप बीच संसद सत्र आयोजित हो जाए उसको बढ़ा दे तो एक साल के लिए वो याद नहीं है इंदिरा गांधी के समय एक साल के लिए लोकसभा नहीं बढ़ गया था जब इमरजेंसी लगी थी भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरि अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है तो अमेरिका के संविधान से हम सिंगल सिटीजनशिप सिट थोड़ी लिए हैं तो ब्रिटेन से क्या लिए हैं फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा ब्रिटेन अगला संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार ली 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 मतलब किस किस देश देश से से गई गई है 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 ठीक ना तो सर संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है संविधान संशोधन आर्टिकल तीन के अंतर्गत होता है निम्नलिखित में से किस निगम का पूर्ण ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है बताइएगा CAG सर देखिए CAG जो है पूर्ण ऑडिट किसका करता है तो एयर इंडिया लेकिन अब एयर इंडिया भारत सरकार का रही नहीं गया एयर इंडिया तो बिग गया ना तो अब इस क्वेश्चन को हटाने का मतलब आ, कोई मतलब ही नहीं है ठीक है ना भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था तो सर संविधान सभा द्वारा यह अपना लिया गया था 26 जनवरी उन्नीस सौ उनचास ईस्वी को अपनाया गया था 26 जनवरी उन्नीस सौ उन्चास की छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास नहीं सर यहां देखो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अपना लिया गया था हाँ सर तो कंफ्यूज मत करिए सर लो कंफ्यूजन दूर कर दे इस दिन हम लोगों ने पूर्ण रूप से अपनाया था और इस दिन हम लोगों ने आंशिक रूप से अपनाया था इनकी लंका लगा दो ठीक है ना 26 नवंबर था 26 नवंबर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आंसर को हटा दो ठीक है ना 26 जनवरी उन्नीस जाओगे 26 जनवरी उन्नीस सौ है ना हाँ पूर्ण रूप से जरूर छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास फिर हम लोग गणतंत्र बन गए ठीक है ना अगला पॉइंट पे आएंगे अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या रहेगा ठीक है नेक्स्ट आपके संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है बताओ संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार देखिए सर पहले तो ये हम लोग का फंडामेंटल राइट था लेकिन अब ये हमारा कानूनी अधिकार बन के रह गया है अब ये थ्री हंड्रेड ए में कानूनी अधिकार हो गया है ठीक है ना अगला पॉइंट भारत के संविधान के संदर्भ में सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है तो सर भारत के संविधान के संदर्भ में सबसे आखिरी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था बताइए राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सर आया था एप्शन उन्नीस 1993 में ठीक है अगला पॉइंट राष्ट्रीय अब देखो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा कितने सदस्य हैं ठीक है ये ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इसके ऑप्शन के हिसाब से चार सदस्य ठीक है अगला पॉइंट आरक्षण के लाभ तय करने के लिए भारत में क्रीमी लेयर ओबीसी की वर्तमान सीमा आय सीमा क्या है यह भी थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो छ लाख रुपए है छह लाख रुपए है और यह बहुत बार पूछ चुका है ठीक है एक देखो आया है अभिमन्यु नाम का वो लिख रहा है आई लव यू मनीषा मारव ससुर अभिमन्यु न अर्जुन के पास दिखे देख रहे हो आके प्यार मोहब्बत बतिया रहा है इन सबको पढ़ने से मतलब नहीं है अर्मन्यू? जाओ उधर कहीं अर्जुन को ढूंढ लो ना कहीं का ये चक्रव्यू है हमारे सब ऐसे, है, सब एक है फंसा के मारेंगे तुमको नालायक कहीं का पढ़ नहीं रहा है, यू, यू, है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो सर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष ठीक है ना 25 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सर 30 वर्ष में हम बन के दिखा देंगे आपको राज्यसभा सदस्य नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सदस्य की योग्यता निर्धारित करता है योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद तिरासी अगला आम चुनाव में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है ऑप्शन के हिसाब से बताना सर एकदम छटंकी सा है चांदनी चौक दिल्ली एकदम लोकसभा के क्षेत्रफल के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख कहां मिलता है सर भाग चार में मिलता है आर्टिकल छत्तीस से इक्यावन तक मिलता है आज मैं पेड बैच में यही पढ़ा रहा था भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस समूह में अगला संविधान का, आर्टिकल आर्टिकल का गठन 45 वाले में संशोधन करके छह वर्ष से चौदह वर्ष के बच्चों कर दिया गया आर्टिकल उनतालीस और उनतालीस डी दोनों बहुत जरूरी है एक में दिया हुआ समान कार्य के लिए समान वेतन और एक में दिया हुआ निःशुल्क विधिक सहायता और वो फ्री जस्टिस मतलब वो आपके फ्री लीगल फ्री लीगल एड एंड जस्टिस ठीक है ना वो दिया हुआ है निशुल्क विधिक सहायता ये सब है तो 39 ए या यूं कहें 39 क और 39 डी आपको जरूर याद होना चाहिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव आयोग का प्रावधान करता है चुनाव आयोग आर्टिकल 324 अगला वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं सर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके अंदर में दो इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है तो आपके कौन है आ, राजीव कुमार जी अगला चुनाव आयोग के लिए जिला स्तर पर जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है बताओ जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है तो सर ये आपके ए ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगला चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं अगला भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कैग के पद को बताता है सर आर्टिकल 148 सौ अड़तालीस सवा क्वेश्चन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति सी ऑप्शन राष्ट्रपति करते हैं सौ क्वेश्चन होने के बाद मैं इसके पीडीएफ के बारे में बता दूं अभी तो ये डेढ़ दो सौ क्वेश्चन है सबसे पहले देखो इसके पीडीएफ के लिए आपके पास अड्डा का ऐप होना चाहिए वो बारह सौ क्वेश्चन की पीडीएफ फ्री किया हुआ हूं वो भी अड्डा के ऐप ऐप पे क्लिक पे उस क्लिक करोगे पहुंच जाओगे वो वो मिल जाएगा तुमको फ्री है वो, एकदम फ्री है है एकदम अच्छा जब अड्डा का ऐप डाउनलोड करोगे तो देखो ऐसे तुमने अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लिया ठीक है सर वो लिंक आपने दे दिया अड्डा का ऐप अड्डा का ऐप डाउनलोड करने के बाद तुम्हारी स्क्रीन पे यहां पे लिखा हुआ मिलेगा कम्युनिटी ठीक है ना ये नीचे यहां पे कम्युनिटी लिखा हुआ मिलेगा उस पर क्लिक कर दोगे तीसरा स्क्रीन खुलेगा मोबाइल पे यहां पे लिखा रहेगा एक्सप्लोर एक्सप्लोर ग्रुप ग्रुप लिखा रहेगा. उस पर क्लिक कर दोगे चौथा स्क्रीन खुल जाएगा यहां पे कहीं हमारा चेहरा लगा होगा लिखा होगा करेंट अफेयर एंड जीएस बाई आशुतोष सर और उसी को जब फॉलो कर लोगे तो यहां पे तुम्हें पीडीएफ की लिंक लगी हुई मिल जाएगी पिन करवा दूंगा ठीक है ना जहां पे मेरा ग्रुप है उसको फॉलो करोगे उसके अंदर जाओगे तो लिंक लगी रहेगी इस साढ़े बारह क्वेश्चन की भी आज की भी लेकिन ये प्रोसेस अब फॉलो नहीं कर पाते हैं तुम आज मेरे कम्युनिटी पे जाना तुमको ना दो हजार कमेंट मिलेंगे दो हजार कमेंट में सोलह सौ सो कमेंट मिलेंगे थैंक यू सर मिल गई दो तीन सौ तुम्हें ऐसे भी कमेंट मिलेंगे सर पीडीएफ की लिंक नहीं लगी है सर हम कहां से डाउनलोड करें सर आप बोल तो दिए लेकिन मिली नहीं फिर इन दो तीन सौ लोग के कमेंट देख के मेरा मन होता इसी से सर लड़ा ले करे पगला सबको कहां से मिल गई तुमको का स्पेशल है तुमको देख के हम पीडीएफ वहां छुपा लिए अरे अरे ये आ गया पीडीएफ छुपा लो पीडीएफ छुपा लो हम ऐसा किए हैं क्या पागल अरे यार तुम लोग अच्छा तुम लोग से भी एक रिक्वेस्ट है जिन लोग को पीडीएफ मिल जाती है अगर तुम लोग कमेंट में देखते हो कि लड़के कमेंट किए कि सर हमें नहीं मिली भैया तुम ही लोग जाके आंसर कर दिया करो कि अरे ससुर ऊपर देख ला लिंक लगल है डाउनलोड मार ला पी आता है नहीं खाली इधर उधर की बात ठीक है ना अनुच्छेद तीन सौ बावन के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है तो आपातकाल की घोषणा सर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अगला तीन सौ छप्पन के अंतर्गत छप्पन उपाध्यक्ष के लगा? सर, फिर वही बात, 356 उपाध आर्टिकल तीन सौ छप्पन के कौन लगाता है प्रेसिडेंटे लगाते हैं भैया ठीक है ना चाहे तीन सौ बावन हो चाहे तीन सौ छप्पन हो चाहे तीन सौ साठ हो लगाएगा कौन राष्ट्रपति ठीक है ना राष्ट्रपति अगला राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है सर वैसे तो सब जुगाड़ू व्यक्ति हैं कौनों जुगाड़ लगा दे हट जाएंगे लेकिन सही से बात करिए तो राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं मुख्यमंत्री भी फोन कर दे अरे हमको अपने राज्य में राज्यपाल नहीं जब मौका वहीं भिड़ जाता है आदमी ठीक है वहीं पर मौका भिड़ जाता है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है तो कौन सा राज्यों के राज्यपाल से अनुच्छेद एक अगला चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा सर आर्टिकल 324 कहता है चुनाव आयोग होगा लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है सर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं सेवेंटी अगला संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनावी व्यवस्था के लिए प्रावधान देते हैं सर जिसमें निर्वाचन आयोग का जिक्र है आर्टिकल 324 से तीन ठीक है अगला पॉइंट लोकसभा का चुनाव कब होता है सर हर पांच साल में होता है छह महीने बाद फिर देखिए चुनाव 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 सी ऑप्शन पांच ईयर विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा को वापस बुलाने के बीच अधिकतम अवधि क्या हो सकती है सर अधिकतम अवधि हो सकती है छह महीने छह महीने का ज्यादा गैप नहीं हो सकता सर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है बताइएगा किसके द्वारा की जाती है तो सर ये की जाती है आपके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली कौन सी है कुछ लोग भाग लिए कि शायद क्लास खत्म हो जाएगी हाँ खत्म हो गई ना सर ज्ञात प्रणाली है लोकपाल प्रणाली लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था आज की पीडीएफ बहुत 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 जरूरी है ठीक है ना लिंक लगी है ले लेना वो भी ये भी इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन महाराष्ट्र अगला क्वेश्चन किस राज्य के लोकायुक्त का कार्यपाल कार्यकाल शक्ति और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से सबसे मजबूत माना जाता है ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं तुम्हें तुम खोज लेना किसी किताबों में प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेंगे इसलिए थोड़ा ध्यान देखे कर्नाटक आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते सर आर्टिकल बीस और इक्कीस आर्टिकल इक्कीस यहां पे दिया हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल भी निलंबित नहीं हो सकता और इक्कीस भी नहीं अगला मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहा है सर मौलिक कर्तव्य भाग चार ए में वर्णन है अगला क्वेश्चन भाग ए ए के आर्टिकल ए क्या में ग्यारह मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था सर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी सी ऑप्शन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है आर्टिकल 25 से के 28 के के बीच में भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकार सर भाग तीन में आर्टिकल 12 से 35 तक राष्ट्रीय आपातकालीन उद्घोषणा किस मामले में जारी की जाती है सर उपयुक्त सभी में तीन है ये दोनों तीन में हो जाएंगे तीन तीनों ठीक है ना तो इसका राइट आंसर है क्योंकि युद्ध बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह सब ठीक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है सर माननीय राष्ट्रपति महोदय जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है उसमें ये कर देते हैं अगला पॉइंट भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित में है देखो ये ओल्ड क्वेश्चन है अब तो 34-35 तक पहुंच गया है अब तो 34 तक पहुंच गया इसलिए इसका जो अब ऑप्शन के हिसाब से यही सही है लेकिन अब करंट में चेंज है निम्नलिखित में से कौन के और की करता है। सर वो संविधान का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है सर वो है आपके आर्टिकल एक अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति क्षमा दान रटा होगा कि आर्टिकल बहत्तर टिक मार दीजिए आर्टिकल बहत्तर अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है सर संसद के द्वारा चलाया जाता है चाहे लोकसभा से शुरू कर दीजिए चाहे राज्यसभा से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है सर राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल छप्पन में दिया है राष्ट्रपति के पद की शर्त उनसठ में दिया है राष्ट्रपति पद की शपथ साठ में दिया है राष्ट्रपति का महाभियोग महाभियोगसठ में दिया है दबाव समूह अपने सदस्यों पर दबाव डालकर उनके हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है सर ये इसका राइट आंसर होगा ऑल द ये सब में दबाव समूह है अगला वर्तमान में ए, ये क्वेश्चन अब थोड़ा ओल्ड हो चुका है ठीक है ना तो इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है इसको आप वर्तमान में आप कमेंट करिएगा जो वर्तमान में है अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है ठीक है ना न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल दो अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना मतलब राज्यसभा का संगठन के बारे में सर राज्यसभा के बारे में दिया आर्टिकल 80 में लोकसभा में दिया इक्यासी में और संसद का जिक्र किया है आर्टिकल उन्यासी सेवेंटी नाइन में वो सरला वाला कोड राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहा है तो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधि की संख्या निम्नलिखित में से किसमें से एक है सर वो है आपके 238, 250 होते हैं टोटल 238 ये है 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा हालांकि अभी यह समस्या भी हट रही है ये बात भी हट रही है क्षमा कीजिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है सर दो वो और बारह टोटल सीट दो वर्तमान में दो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय नीति आयोग कहां से लागू हुआ मतलब योजना आयोग समाप्त हुआ फिर मोदी जी ने घोषणा की कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग रहेगा अब वो कहां से लागू हुआ तो सी ऑप्शन एक जनवरी ठीक है ना एक जनवरी से लागू हुआ था अगला पॉइंट जनवरी 2015 ठीक है ना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज्यों की स्थापना करने वाला था सर 2 अक्टूबर उन्नीस को राजस्थान के नागौर से प्रायोगिक तौर पे आंध्र प्रदेश में लगा था हाँ तिहत्तरवे चौहत्तरवे संशोधन के बाद पहला राज्य रा, आपके मध्य प्रदेश था संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है सर पंचायती राज का जिक्र हमें संविधान के भाग नौ में मिलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज नहीं है पश्चिम बंगाल में फोर टीयर पंचायती राज्य है जबकि देश में थ्री टीयर पंचायती राज है ए ऑप्शन नागालैंड ठीक है ना ए ऑप्शन नागालैंड इसका सही है ठीक है नागालैंड इसका सही है अगले पॉइंट पे जाएंगे आपके लिए अगला पॉइंट और आंसर करिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है सी ऑप्शन आर्टिकल पचहत्तर 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था घुमा घुमा के कई बार पूछता है आंसर है सरकरिया आयोग ठीक है। में से कौन सा सुल केंद्र सरकार द्वारा लगाया, सर लगाया और वसूला कौन सा जाता है ऑल द अगला आ जाइएगा कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित <laughs> है जहर ना दे तो क्या <laughs> हाँ हाँ वही फिर वही है कि कहाँ है बंसल सर कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है सी ऑप्शन आर्टिकल 275 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है तो सर उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है आर्टिकल छाछठ ठीक है आर्टिकल छाछठ अगला उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है बताओ सर देखिए ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं लेकिन फिर भी संसद है जो चाह दे तो हटी जाएंगे अब क्या करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है सर वो तो राज्यसभा के एक्स चेयरपर्सन होते हैं ना यस सर तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है सर ठीक है ना अगले पॉइंट पे जाएंगे युवाओं पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था ठीक है ना युवाओं पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था सी ऑप्शन दो में ठीक है ना अगला ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पहला अब देखो ये वो है कि मैं जान रहा हूं, आप में से मैक्सिमम लोग मार रहे हैं। मत मारो ना, कोई भी तो लिख सकते हो जरूरी है कि नहीं हर क्वेश्चन का आंसर हम दे करेंगे। नहीं, तो मत दो ना राइट right आंसर इसका बनेगा 2008 में ठीक है अगला भारतीय संविधान में न्यायपाल अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा खूब बनता है कि न्यायपालिका का, का। कार्यपालिका से पृथककरण यह किसमें दिया है तो आर्टिकल पचास बनेगा ए ब्रिटेन अगला निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया तो सर ऑप्शन बी बयालीसवां और अगला उन अच्छा एक सौ इक्याव होमवर्क रहेगा ठीक है एक सौ और मैं बता दूं <coughs> इसमें तुम लोगों को करीब हाँ ठीक है इसमें तुम लोग को करीब 200 क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी मेरे कम्युनिटी पे ठीक है ना तो अगर यह ये दो ये सौ नहीं है 200 प्लस है और इसकी पीडीएफ मिलेगी मेरे कम्युनिटी पे उसकी लिंक वहां दी है 1250 क्वेश्चन ये जीएस हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी लगा है सबकी ये लिंक लगी हुई है आप जा सकते हैं और कम्युनिटी पे जाकर के इसको ले सकते हैं तो अड्डा के कम्युनिटी पे जाकर के ले लीजिएगा ठीक है ना थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर धन्यवाद आएंगे सर आप पता हाँ, अतुल सर खड़ा होकर मेरी बता दो अरे आठ बजे अतुल है महाराज का कोई है वो आ रहे हैं हिंदी पढ़ाने ओम त्रांग स्वाहा अब आ रहे हैं अतुल सर ठीक है आ बाय हाँ। बाय टाटा कहाँ है बताओ